कोपा अमेरिका बहुत सारे मैचेस अब हो गए हैं, दिख गया है हमको कि टूर्नामेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो भाई फेवरेट मैच के बारे में हम मेरे बात कर लेते हैं, वो मैच जिसमें मेरा फेवरेट प्लेयर खेलता है लियोनल मेसी, तो इस बारे में अपन बात कर लेते हैं। और भाई अर्जेंटीना जीतेगा वामोस, तो इस बारे में हम लोग पहले सबसे पहले बात कर देते हैं यार अर्जेंटीना का जो मैच हुआ। अर्जेंटीना जैसे जीती, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि अर्जेंटीना जो है वो फॉर्म में है, नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना आउट ऑफ प्लेस है और चांसेस मिस कर रहे थे। डी मरिया का जो वो चांस था वो तो 100% गोल होना चाहिए था, कोई चांस ही नहीं था कि वो गोल ना हो, वो 100% उसको गोल होना चाहिए था, बट वहाँ गोल हुआ नहीं। मेसी ने भी अपने चांसेस मिस किए, लेकिन क्योंकि अर्जेंटीना में इतने सारे आपके मैच विनर्स हैं वो मैच निकाल लिए। अल्वारेज ने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जूलियन अल्वारेज, एन्जो, ये लोग जो हैं ये लोग अर्जेंटीना को आगे लेके जाएंगे जब भी मेसी रिटायर होता है। अब वो तो हम नहीं बोल सकते कि मेसी कब रिटायर होगा, क्योंकि मुझे जो मैच दिखा भाई, मेसी अपने बेस्ट फॉर्म में हो सकता है अभी ना हो, पर जो असिस्ट मेसी ने किया, जो गेम बनाया मेसी ने भाई, बहुत अच्छा बनाया। और मुझे तो लगा कि अभी भी मेसी जो है, बहुत सारा फुटबॉल मेसी के अंदर बचा हुआ है। उरुग्वे के अलावा शायद अर्जेंटीना को कोई टीम जो है वो कंपटीशन दे सकती है, लेकिन अर्जेंटीना का जो अगला मैच है चिली के साथ, वो मैच मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। वो इसीलिए ट्विस्टेड होगा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि जो चिली है ये वही टीम है जो अर्जेंटीना को पहले हरा चुकी है। हालांकि अब चिली में उतनी ज़्यादा कोई क्वालिटी बची नहीं है, बट फिर भी हरा सकती है अर्जेंटीना को, ये हो सकता है। उरुग्वे सेमीफाइनल में आ ही रही है, वो अपने ग्रुप से भाई टॉप करेगी उरुग्वे, और वो सेमीफाइनल में आएगी। और अगर अर्जेंटीना को पड़ गई उरुग्वे तो भाई आपको उनको हराना पड़ेगा, तभी आप फाइनल जीत सकते हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी जो टीम्स हैं, आपके पेरू है, जैसे आपका ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील से ज़्यादा डर अभी अर्जेंटीना को उरुग्वे से है, क्योंकि ब्राज़ील अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है। नेमार जूनियर का भी जो स्क्वाड आया है उसमें नेमार जूनियर नहीं है, तो वैसा कोई प्लेयर ब्राज़ील में नहीं है सिवाय विनीशियस जूनियर के। विनीशियस जूनियर अगर अपने टॉप फॉर्म में खेला तो भाई ब्राज़ील भी जो है, वी कैन नॉट काउंट आउट ब्राज़ील। सेमीफाइनल में या फाइनल में मेसी और विनीशियस जूनियर इन दोनों के बीच हो गया तो भाई एक चीज़ और हो जाएगी कि विनीशियस जूनियर अगर जीत गया तो भाई पक्का बैलन डोर इस बार विनीशियस जूनियर ही जीत रहा है। लेकिन अगर फिर से मेसी जीत जाता है और भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कोई समीकरण बैठ के फिर से मेसी बैलन डोर अगर जीत गया, तो भाई तहलका हो जाएगा। जो लोग रिग्ड रिग्ड चिल्लाते हैं वो लोग और बोलेंगे, और बोलेंगे वो लोग कि फिर कोपा अमेरिका में जो मैचेस होते हैं ना उनका मज़ा कुछ और होता है। यूरोस के मैचेस जो होते हैं उसमें जो फाउल्स होते हैं वो मीडियम लेवल के फाउल्स होते हैं, लेकिन कोपा अमेरिका में जो मैचेस होते हैं ना उसमें फाउल का भी लेवल एक भाई नेक्स्ट लेवल ही रहता है। यार वो डिपॉल क्या कर रहा था, क्या कर रहा था डिपॉल भाई? वो बॉल आ रही थी, डिपॉल ने हाथ ही लगा दिया, हाथ से ही पूरा हैंड ही कर दिया सीधा डिपॉल ने रोकने के चक्कर में। तो भाई दिस इज़ द रीज़न दैट कोपा अमेरिका इज़ माई फेवरेट टूर्नामेंट। इस तरह की जो चीज़ें होती है, पहला ही मैच हुआ था अर्जेंटीना का, और मतलब कितना ज़्यादा वो हीटेड मैच था, आप लोग देख सकते हो, जो लोग उस मैच को देखे वो जानते हैं। तो भाई वो चीज़ भी अच्छी है। अभी हम लोग को ये देखना है कि ब्राज़ील अपना मैच कैसे खेलती है। ठीक है, उरुग्वे तो अपने आप को प्रूफ कर दी है कि उरुग्वे अपना भाई अच्छा खेलेगी, उरुग्वे दे आर ऑन फॉर्म भाई। देखो अब ब्राज़ील कैसे खेलती है वो देखना पड़ेगा, और जो कोई भी जैसे छोटी मोटी जो भी दूसरी भी टीम है वो भी कहीं ना कहीं अपसेट कर सकती है, तो अर्जेंटीना को उससे भी बच के चलना पड़ेगा। और सेमीफाइनल में और फाइनल में एक ना एक मजबूत टीम अर्जेंटीना को मिल रही है, और मेसी को अपना क्लास दिखाना पड़ेगा। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो कोपा अमेरिका है वो अर्जेंटीना जीत सकती है। हाँ, कन्विंसिंगली नहीं जीत सकती, मुझे नहीं लगता है कि भाई एकदम फेवरेट सी अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना ही जीतेगी क्योंकि उरुग्वे है, ब्राज़ील है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, जिस तरह की फुटबॉल मैंने देखी, अगर थोड़ा अपने आप को बेटर करे तो इस बार का कोपा अमेरिका अर्जेंटीना का है। फिर ऐसा हो जाएगा कि अर्जेंटीना ने पिछला कोपा अमेरिका जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता, फिर से कोपा अमेरिका, तो मतलब ये एक हिस्ट्री मेकिंग टीम हो जाएगी। अल्वारेज, एन्जो, मेसी, एमी मार्टिनेज और भी जो बाकी सारे प्लेयर हैं आपके, डी पॉल, रोमेरो, तो ये एक जोरदार स्क्वाड हो जाएगी, हिस्ट्री में नाम रहेगा कि सब कुछ जीता हुआ है। अगर आपको फुटबॉल से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप फुटबॉल को जेन्युइनली फॉलो करते हो, तो लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।